रसालगढ़। इस किले ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। ये किला जावली के उस घने जंगल में खड़ा है जहां अफजल खान और ऐसे कई सारे ताकतवर शत्रुओं को भी हार का सामना करना पड़ा था। ये किला कोस्टलाइन से भी काफी नजदीक है। इस किले के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए ये पूरा वीडियो। कोंकण, ये लगभग 2000 साल या फिर उससे भी पहले से यूरोपियन सी ट्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण रहा है। यहाँ के घने जंगल और पूरे साल फर्टाइल रहने वाली जमीन को कई आक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की है। यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने कोंकण को सुरक्षित रखने के लिए मराठा नेवी और कई सारे कोस्टल फोर्ट्स का निर्माण कराया। इससे वेस्टर्न कोस्टलाइन तो सिक्योर हो गई पर ईस्ट यानी डेक्कन से आने वाले आक्रमण के खतरे को भी छत्रपति शिवाजी महाराज अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने कोंकण के घने जंगलों में हिल फोर्ट्स का निर्माण कराया। जो किले पहले से थे उनको एक के बाद एक मराठाओं ने अपने कब्जे में लिया और इस तरह कोंकण को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। इन हिल फोर्ट्स में कई सारे फोर्ट्स हैं जैसे कलावंतीन, प्रबलगढ़, चांदेरी, रायगढ़, सुमेरगढ़ और इन्हीं में से एक है ये अमेजिंग फोर्ट रसालगढ़। रसालगढ़ ये रत्नागिरी के खेड़ तालुका में लोकेटेड है और यहाँ फोर्ट के बेस तक रोड है और सिर्फ 15 मिनट का ट्रैक हमें फोर्ट के ऊपर ले आता है। इस फोर्ट पर 19 कैनन्स यानी तोफ है और इसीलिए इसे मराठी में तोफानसा गढ़ भी कहा जाता है। इस किले के दो मुख्य दरवाजे और स्टेप्स आज भी काफी अच्छे कंडीशन में हैं। और अभी जो आप देख रहे हो ये है रसालगढ़ का बाले किला। बाले किला यानी सिटेडल, ये मोस्टली फोर्ट के ऊंचे हिस्से में बनाया जाता है। यहाँ फोर्ट का किलेदार जो फोर्ट का मुख्य व्यक्ति होता है, उनके घर के अलावा बाकी सारे ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एक प्रोटेक्टिव वॉल की मदद से सिक्योर किया जाता है। और ये है जोलाई देवी का मंदिर, ये ऊपर से और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ हर साल जोलाई देवी की जत्रा होती है और उस वक्त ये फोर्ट लोगों से भरा हुआ होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके हर किले की तरह इस किले पर भी पीने का पानी है जो साल भर पीने लायक होता है। इस फोर्ट के चारों तरफ गहरी खाई है और इसीलिए इसे एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलता है। रसालगढ़ के पास दो और फोर्ट हैं जो है सुमेरगढ़ और महीपतगढ़ और ये तीनों भी फोर्ट्स एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह थे जो डेक्कन से आने वाले हमले को रोक कर रखते थे। जावली के घने जंगलों में बसा रसालगढ़ ये कोंकण को सुरक्षित रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट था। इस फोर्ट के दरवाजे और स्टेप्स को तो रिस्टोर किया गया है पर अभी भी इस फोर्ट का बाकी का हिस्सा काफी बुरे कंडीशन में है। तो आपको रसालगढ़ कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना और इसके बारे में और जानना है तो रसालगढ़ का व्लॉग जरूर चेकआउट करना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर पे, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।